करना पड़ा है। इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने ग्राउंड रिपोर्ट की। आइए देखते हैं हरदोई से खास रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के पटेल नगर स्थित नहर कॉलोनी में मनरेगा मजदूर संघ के नेतृत्व में मनरेगा श्रमिकों की 15 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को आज एक ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं अध्यक्ष लाल बहादुर निषाद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के महत्वपूर्ण मनरेगा योजना के तहत जनपद में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 230 से बढ़ाकर 400 रुपए की जाए। गाँव के बेरोजगार श्रमिकों को जॉब कार्ड बनाकर रोजगार दिया जाए। मनरेगा अधिनियम के आदेशानुसार सामुदायिक सहभागिता व ग्राम सभा में निगरानी समिति का गठन किया जाए। ब्लॉक स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाए। मनरेगा में हो रहे घोटालों की रोक हो सके। इस समय अधिकतर ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना ग्राम प्रधानों की कमाई का जरिया बन गया है। मनरेगा मजदूरों को काम न देकर अपात्र लोगों के खाते में पैसा लगा करके निकाला जा रहा है, जिसकी जांच की जाए। दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज इस जनपद में आए हुए हैं अधिकार सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से। यहाँ के मनरेगा श्रमिकों को जिला अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया गया और इसकी बाकायदा अनुमति लेकर के हम लोग यह कार्यक्रम किए हुए हैं। इसमें 15 दिन मांगे थी जो SDM महोदय ने आकर के रिसीव किया है और उन्होंने कहा भी है कि इसकी अनुमति हम दे देंगे कल और लिखित के रूप में अनुमति मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो हम उस अनुमति को लेने के लिए अधिकार को लेने के लिए याद दिलाओ आंदोलन का नारा दे करके तब तक डटे रहे। इस फतेहपुर जनपद में जो यह आंदोलन किया गया सत्याग्रह अधिकार आंदोलन, इसके लिए किया गया है कि यहाँ जो मनरेगा श्रमिक हैं वो दबे कुचले हैं, उनको हमेशा दबाया गया है, उनका हक अधिकार मिले आसानी से, इसीलिए यह आंदोलन किया गया है। और यहाँ के माननीय SDM महोदय ने हमारी मांग जो है वो मान भी ली है। उन्होंने कहा हम आपका मांग जो है स्वीकार कर रहे हैं, हम आपको लिखित रूप से देंगे। अगर हमको नहीं मिला, अगर हम इंतज़ार करेंगे एक महीना, अगर नहीं मिला तो वापस हम यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे और अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन हो रहेगा जब तक हमारे मनरेगा श्रमिकों का मांग जो है मान नहीं है। बहुत सारी ऐसी अनियमितताएँ ग्राम प्रधान द्वारा की जाती हैं। मनरेगा मजदूरों को सही से मजदूरी नहीं मिलती, अन्य लोगों के खाते में किस तरह देखते हैं निकाला जा रहा है, उस तरह भी आप लोगों को यह सारी बातें यहाँ माननीय अधिकारी से हुआ है हमारी और उनको हमने लिखित रूप से हमने उनको दिया भी है और उन्होंने कहा ठीक है। और यहाँ के जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करने पाएंगे, उन्होंने हमारी मांग मान ली है और उन्होंने कहा है कि आप आश्वस्त रहिए। हम लोग 15 मांग पत्र लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं नहर कॉलोनी में और हमारे श्रमिकों को जो श्रम रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनको लाभ के लिए जैसे सौर ऊर्जा साइकिल मुहैया कराने के लिए आवाज़ हम लोग बुलंद किए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे मजदूरों को सौर ऊर्जा साइकिल मिले और 100 दिन का काम मिले। वेतन जो 203 है वो 400 230 है वो 400 रुपया हो और 100 दिन का काम मिले। और जो मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए ये हमारे मनरेगा मजदूर के लोग एकजुट होकर के इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों को? आश्वासन ये मिला हुआ है कि आप लोगों को श्रम रजिस्ट्रेशन जो कराए हुए हैं वो आप लोगों को सामान ब्लॉक दिलाया जाएगा और जो कुछ लाभ है 14-15 मांग है उस मांग को पूरा करेंगे, यही आश्वासन। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।